हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में दीपार्स कॉर्नर ब्लॉग। और मैं हूँ दीपा। तो मैं यहाँ पर बना रही हूँ शाम का खाना, जो मैं शाम का रूटीन आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, नॉर्मल सा अपना। तो बस उसी को आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर मैं नमकीन चावल बना रही हूँ, मैं तो पुलाव बोलती हूँ पर कुछ लोग नमकीन चावल भी बोलते हैं, तो बस वही बना रही हूँ। तो मैंने थोड़ा सा मैं मसाला पीस ही बनाती हूँ, क्योंकि अभी हरी धनिया भरी भरी वाली जो फली है वो मिल रही है मार्केट में, बहुत ही टेस्टी लगती है उससे बने हुए चावल सब्जी कुछ भी बनाओ तो बहुत ही टेस्टी लगती है। तो प्याज और उसको मैंने पीस लिया है, और बाकी का हल्दी नमक मिर्ची थोड़ी सी उसमें ऐड कर लिया है, बस उसी को मैंने छोक दिया है कुकर में, और बहुत ही टेस्टी लगते हैं। आप लोग भी बना कर देखिएगा, मैं वैसे भी बना लेती हूँ। बस मसाला यहाँ पर जो है मेरा बन जो हो चुका है, तो अब मैं डाल दूँगी इसमें मटर, और थोड़े ही बनाने हैं तो बस इतनी मटर हो जाएगी, काफ़ी है इतनी मटर। तो बस मैं वही छौंक लूँगी और बना लूँगी फटाफट से, शाम का खाना हो जाएगा मेरा, क्योंकि मैं बाग इनको जाना है निमंत्रण में, मैं और बच्चे बस हैं। तो बस थोड़े से इसी में पुलाव से हो जाएगा, ज़रूरी नहीं है कि रोटियाँ बनाए, और ज़्यादातर ऐसे ही हो जाता है, बच्चे खा लेते हैं तो बस बच्चों के मन का ही बनाना होता है खाना। तो मैंने टमाटर डाल दिए हैं, टमाटर भी मेरे जो हैं हो गए हैं। तो साथ में अब थोड़े से आलू जो मैं ऐड कर दूँगी इसमें, तो आलू भी मैंने इनको धो के अच्छे से कट करके रख लिया था, सब कुछ मैंने पहले ही कट करके रख लिया था। मैंने इसके लिए दो आलू लिए हैं और एक टमाटर लिया है, मटर ली है, एक प्याज का मसाला पीसा हुआ है, तो बहुत ही टेस्टी लगते हैं इस तरीके से। मेरे आलू टमाटर जो हैं दोनों चीज़ें हो गई हैं, तो अब मैं इसमें चावल भी ऐड कर दूँ। चावल को थोड़ी देर के लिए चलाऊँगी ऐड करने के बाद, फिर पानी डाल दूँगी, और पानी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालूँगी कि ज़्यादा वो ना हो जाए, कड़े ना रहें, सॉफ्ट सॉफ्ट रहें, तो पुलाव जो है खिला खिला ही अच्छा लगता है। तो बस मैं इसमें पानी ऐड कर दूँगी, और पानी ऐड कर देने के बाद कुकर को बंद कर दूँगी, एक सीटी लगा लेने के बाद इसको खोल लूँगी। ये देखिए मेरा जो है पुलाव बन के रेडी हो गया है, बहुत ही टेस्टी सा, तो आप भी बनाइएगा। तो आ गई है चाट बाहर से, मैं खा लेती हूँ, आप भी खा लीजिए, बहुत ही टेस्टी बनाते हैं वो भैया बनाते हैं जो, तो मैं खा लेती हूँ। आप भी खा लीजिए। और यहाँ पर मैं कर लेती हूँ बच्चों की ड्रेस पे प्रेस, क्योंकि कल बच्चों के हैं एग्ज़ाम, तो उनको ड्रेस चाहिए होती है। आज थी वाइट ड्रेस का डे, तो वाइट पहन के गए थे, अब कल ड्रेस पहन के जाएंगे, तो बस उसी पे मैं प्रेस कर लूँगी फटाफट से बच्चों की दोनों की ड्रेस पे। बाकी के कपड़ों पे मैं नहीं करती हूँ, कभी कभी कर देती हूँ, ऐसे मैं नहीं करती हूँ, वो खुद ही कर लेते हैं या फिर आयरन वाले के यहाँ दे आते हैं, मैं नहीं करती हूँ प्रेस, मैं बच्चों की ड्रेस बस पे करती हूँ। तो बस मैं कर लेती हूँ फटाफट से प्रेस, और आप लोग बताइएगा कि कौन कौन घर में प्रेस करता है बच्चों की ड्रेस पे और अपने हस्बैंड के कपड़ों पे। मैं तो नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझसे नहीं बनते हैं, उनको मेरा किया हुआ पसंद ही नहीं आता है, तो मैं नहीं करती हूँ। आप लोग बताइएगा कि कौन कौन करते हैं अपने हस्बैंड के घर के कपड़ों पे प्रेस, तो मैं नहीं करती हूँ। चलिए ठीक है, और बताइएगा कि आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगता है। Thank you.
तो ये देखिए बच्चों की ड्रेस जो है हो चुकी है प्रेस, तो रख दूंगी मैं इनको। यहाँ पर बच्चे कर रहे हैं पढ़ाई, तो बस वो पढ़ते रहेंगे क्योंकि उनके एग्जाम आ गए हैं जैसा कि मैं बता चुकी हूँ आप लोगों को। और बच्चे पढ़ रहे हैं अभी, तो अदिति बस बैठी है, भैया को बुला के बैठाती हूँ अभी पढ़ाने के लिए, उसका भी एग्जाम है। तब तक रख दूंगी दूध गर्म करने के लिए और भैया को बैठा दूंगी पढ़ाने के लिए। दोनों बच्चे पढ़ेंगे, मेरा काम हो चुका है ऑलमोस्ट, तो मैं भी दोनों को देखूंगी पढ़ाने के लिए बिठाऊंगी। और बस फटाफट से ऐसे ही मेरा शाम का काम हो जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगता है, आप लोग बोलेंगे कितनी बार बोलती है, तो मुझे अच्छा लगता है। मैं जानना चाहती हूँ कि मेरी ब्लॉग में कुछ कमी हो तो आप लोग सुधारने के लिए बोल सकते हैं, बता सकते हैं कि क्या कमी है, तो मैं उसी तरीके से करूँगी अपना काम। और बताइएगा मुझे कि कैसा लगा आप लोगों का ब्लॉग, आप लोगों को मेरा ब्लॉग। तो बस बच्चे पढ़ रहे हैं यहाँ पे और मैं अपना काम यहीं पे करूँगी, वहीं यहीं पे बैठूँगी उनको पढ़ाने के लिए। तो चलिए फिर आज का जो है मेरा खाना पीना शाम का हो चुका है। खाने पीने में क्या है, वही नमकीन चावल बनाए हैं मैंने, तो बस हो चुके हैं। मटर पुलाव बोलते हैं कोई, कहीं कहीं मैं नमकीन चावल बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, तो मैं तो पुलाव ही बोलती हूँ। तो बस मेरा पुलाव जो है बन चुका है, शाम का खाना शाम में वही हो जाएगा। और दूध गर्म होने के लिए रख दिया है, तो बस वो गर्म हो जाएगा, बच्चों को दे दूँगी पीने के लिए। और उसके बाद बस होगा मेरा और कुछ नहीं, रात के बर्तन रह जाएंगे थोड़े से, तो वो भी कर लूँगी बस। बाकी के रात के बर्तन रात में ही करके रख देती हूँ क्योंकि सुबह से बच्चों को स्कूल जाना होता है और बच्चों के एग्ज़ाम शुरू हो गए हैं, तो बच्चे पढ़ रहे हैं। और चलिए फिर बताइएगा आप लोग, आप लोगों को मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं। तो आजा बच्चों, गुड नाइट कर देते हैं, बाय कर देते हैं, इस ब्लॉग का कर देते हैं एंड। और बताइएगा आप लोग, मेरा बच्चा गुड नाइट। चलिए ठीक है, तो मिलते हैं फिर मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। और बताइएगा अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है तो कमेंट करके बताइएगा, लाइक कर दीजिएगा, अपने फैमिली दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। थोड़ी सी अंधेरा आ रहा है, और अगर चैनल पर आए हैं पहली बार तो बस कर दीजिएगा सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। और चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।